चैनल में आपका स्वागत है। खबरें विस्तार से। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के मद्देनजर जीबी पूरे भारत में लॉकडाउन है। इस स्थिति में कुछ मुख्य कामों को छोड़कर सभी काम बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में उत्तराखंड के ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में काम के लिए लोगों को छुट्टी दे दी गई है। उन्हें उनके घर वापस जाने के लिए कह दिया गया है। ऐसे में उत्तराखंड के साथ साथ दूसरे राज्यों के भी सैकड़ों युवकों के सामने संकट खड़ा हो गया। कमाई तो गई ही, अब घर कैसे पहुंचे, क्योंकि देश लॉकडाउन है, रास्ते बंद हैं, ट्रेन बस बंद है, आवागमन का कोई भी साधन नहीं है। ऐसे में इन सैकड़ों युवकों के सामने केवल एक ही रास्ता बचा है, पैदल चलने का रास्ता। अपना बिस्तर बांधा और पैदल ही निकल पड़े। इस बीच उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के अफजलगढ़ से दर्जन भर से अधिक महिला पुरुष मजदूरों का जत्था काशीपुर पहुंचा, जो कि पीलीभीत स्थित अपने घर के लिए निकला था। इन मजदूरों के मुताबिक वह धान की बुवाई के लिए अफजलगढ़ गए थे, जिसके बाद देश भर में कोरोना को फैलने से बचाने के लिए आगामी 14 अप्रैल तक लॉकडाउन के प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद ट्रेनें और बसें बंद होने के बाद वह पैदल ही अपने घर का रास्ता तय कर रहे हैं। इसी तरह उत्तराखंड के मसूरी से पैदल चलकर गराई करने की। मेरा नाम सुरेंद्र है जी। हम मंसूरी से आगे से आ रहे हैं, जमुनापुर से आ रहे हैं। 3 दिन हो गए चलते चलते, आज 14 दिन है जी साहब। कभी पैदल आ जाती है, कभी कुछ 1-2 किलोमीटर सवारी मिल जाती है, उसमें बैठ जाती है जी। वहाँ पर काम करते हैं, जब यहाँ पर काम चल रहा है पानी का टैंकर जी। हम 10 लोग नेपाल हम लोग आ रहे हैं। अफजलगढ़ से अफजलगढ़ में कर रहे थे, वहाँ ठेकेदार जो है पैसे मार के भाग गए। हमारा 13 आदमी है। आज हो गया 27 दिन हो गया है। वहाँ कल रात में चले हैं, रात 11 बजे पूरी रात चले, अब दिन जो हो गया। मैं जाना खटीमा के आगे।